हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर्नर ऑफ माय लाइफ संजू। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एडवांस में बोल रही हूँ, आज है छोटी दीपावली, तो छोटी दीपावली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग अच्छे से मनाएं, सारी प्रिकॉशन साथ में लें और दीपावली को सेलिब्रेट करें। नहीं है, लेकिन मैं जब सोच रही थी कि मैं क्या पहनूंगी, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि मैं इयररिंग्स कौन सा पहनूंगी। तो मैं जब अपने वार्डरोब, मतलब जो मेरे पास है, जितने सारे इयररिंग्स मेरे पास है, मैंने सब निकाले, तो इतने सारे मेरे पास इयररिंग्स हैं। तो मैं सोची चलो क्यों ना, और मैं पहनती बहुत कम हूँ इयररिंग्स, मुझे उतना है नहीं, मैं हमेशा नहीं, कभी कभी कहीं फंक्शन वगैरह में ही है मेरे पास कुछ 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 दो चार जो है वो बड़े बड़े हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं। मुझे शौक है इयररिंग्स रखने का, क्योंकि अच्छे लगते हैं। अगर आप नॉर्मल भी कपड़े पहनो, अगर इयररिंग्स आप बड़े पहनो, तो वो मैच कर, मतलब वो कंप्लीट करता है हमारे लुक को। तो मैं सोची चलो आज आप लोग को मैं अपनी इयररिंग्स की कलेक्शन दिखाती हूँ कितनी सारी है। मैं किसी देरी के चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपना मैं इयररिंग कलेक्शन की, जो मेरे पास जितनी है मैं आप लोगों से बताऊंगी। और मुझे जो जो जिसकी जिसकी प्राइसेस थोड़ी बहुत याद है, मैं आप लोग से जरूर इसको मेंशन कर दूंगी, या मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, या मैं बता दूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अपनी सबसे फेवरेट इयररिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो मैंने पहली बार ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये, है ना। ये शायद मैंने लिया था 200 के करीब है, 200 प्लस है। मैं अगर मैं कंफर्म होकर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो ये अगर आप किसी नॉर्मल भी, अगर आप किसी नॉर्मल भी कुर्ती के साथ अगर इसको आप करोगे पेयर अप, तो ये बहुत सुंदर निखर के आता है। मैंने इसे बहुत बहुत बार पहना है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट इयररिंग है। तो ये रही मेरी पहली इयररिंग, आप लोग को पसंद आया होगा। फिर मैं चलती हूँ, स्टड है, इसको भी मैंने बहुत बार पहना है, मुझे मर्तबा याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बार इसको पहना है। ये भी मैंने दिल्ली से ही लिया था, सरोजनी नगर से। आप लोग को सरोजनी मार्केट की अगर पता नहीं है, तो अगर आप दिल्ली जाएं तो सरोजनी मार्केट जरूर जाएं। इयररिंग्स आपको इतने अच्छे सस्ते में मिलेंगे ना कि मैं आपको बता रही, ये 30-40 के करीब ये मुझे मिला था। और ये इसकी तो ये है मेरी तीसरी इयररिंग, इसको मैंने अभी तक नहीं पहना है। मुझे लंबा इयररिंग्स, मैंने लॉन्ग इयररिंग्स, मतलब जो लॉन्ग होते हैं, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है। जल्दी ही कोई वेस्टर्न ड्रेस के साथ साथ ये अच्छा मैचअप जाएगा, अच्छा जाएगा ये। तो मैं इसे जब ट्राई करूंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं जितनी भी अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये पहन के दिखाऊं कि ये कैसा लगता है। वाओ है बहुत सुंदर, आप अगर देख पा रहे हैं, है सर इयररिंग। ये भी मैंने वहीं से लिया था, सरोजनी नगर से ही। ये भी इसकी भी बात है, ये सारी इयररिंग्स के दाम ना 100 के अंदर ही है, सब इयररिंग मेरे 100 के अंदर ही है। बस जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन जो मैंने मंगाया था ना, वो 200 प्लस थी। तो उसकी क्वालिटी पे वो जैसे लग रहा है हैंडवर्क है, हैंड वो मतलब हाथों से उसको बनाया गया, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे। तो मुझे नहीं उतना आइडिया कि सारी इयररिंग्स कैसे बनते हैं, लेकिन ये जो है, ये अगर आप इसे अलग अलग भी कर दोगे ना, ये ऐसे भी आप स्ट्रेट की तरह इसको पहन सकते हो, ये ऊपर वाले को निकाल के। तो ये ट्विन वन है, तो इसके प्राइस है, मुझे इसके प्राइस लगे कि हाँ ये इतने महंगे हो सकते हैं। तो और ये इतने हल्के भी बहुत हैं। और ये रहे दूसरे वाले, ये भी 100 के अंदर ही थे, तो इसका भी है, सब सबके पिक्चर है ये। और अगर इसका लुक आप अगर देखें, तो ये राजस्थानी लुक में आता है, ये भी बहुत सुंदर इयररिंग्स है। आप इसे कुर्ती के साथ, लहंगे के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लुक आता है। ये भी मुझे, मैंने ये भी लिया था सरोजनी नगर से ही, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो आप, है ना प्यारे। तो ये भी 100 के अंदर ही है, ये भी सरोजनी मार्केट का ही है, कॉमन है ये। इतने मतलब बीच में इतने चले थे ये वाले ना, कि हर लोगों के पास मैंने ये देखा था, लेकिन इसके लुक अलग ही आते हैं। अगर आप इसे कानों के साथ अगर इसे पहन के मैच कर ले, तो किसी के साथ भी आ जाएगा। और इसे अगर आप यहाँ पे भी करें, तो ये एकदम प्योर राजस्थानी लुक देता है। अगर आप देख सकते हैं तो कितना मस्त, देखो राजस्थानी लुक। और अगर आप इसे गले में भी पहनना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं पहन सकते, लेकिन अगर आप इसे किसी चैन के साथ अगर इसे लगा के पहनेंगे, तो ये मस्त वाला लुक आता है। ये 3-in-1 में आ गया एक तरह से, आप इयररिंग भी पहन लो, टीका की तरह भी पहन लो, और आप इसे गले का एक पेंडेंट की तरह भी पहन सकते हो। तो ये हमारा, और एक है ये वाला, ये भी है साड़ी, मैंने ये साड़ी मैंने सरोजनी से लिए थे, रियली है ना खूबसूरत। ये भी मैंने सरोजनी से लिए, मैंने सारे सरोजनी से, मेरे जितने इयररिंग से मैंने सारे सरोजनी से लिए, इतने सारे हैं मेरे पास। मैं सोचा चलो क्यों ना आप लोग के साथ मस्त पेयर अप हो जाता है।
ये स्टड में अगर मेरा फेवरेट कहो तो ये है। मैंने इसे इतनी सुंदर में मैं इसके पिक्चर्स मैंने फेसबुक पे मैंने अपलोड किए हैं। मैंने मैंने आप लोग अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी देख सकते हैं। ये इतनी सुंदर इसके आते हैं ना, रॉयल टाइप का फील आता है। अगर इसको बहुत बार पहना है तो ये भी बहुत सुंदर लुक आता है। ये भी मैंने सरोजनी से ही लिया था। तो सॉरी धूप आ रहा है, अब ठीक है। तो ये थी मेरी इयररिंग कलेक्शन की वीडियो। अगर थोड़ा भी कुछ अगर ऐसा लगे कि ना बोरिंग सा लगा या कुछ भी, मैंने जो था मेरा मैंने आपको दिखा दिया। मैंने ऐसे ही मैं सोची चलो आप लोग को बताना है कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें कि और आप लोग को कौन सी कलेक्शन की मेरी वीडियो देखनी है। मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने बता ही दिया पहले, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल करना है सब्सक्राइब और दबाना है घंटी को कि आप लोग को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल। कल मैं कोशिश करूंगी मैं आप दिवाली की जरूर वीडियो शूट करूं, ब्लॉग। मैं चाहती हूं कि मैं नॉर्मल जैसे ब्लॉगिंग करते हैं मैं करूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूं करने का। तो आप लोग के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज़।